और आपका काम करूंगा। आज इस मंच के माध्यम से हम आपसे सिर्फ एक ही मांग चाहते हैं, महोदय आज हमें आश्वासन नहीं चाहिए। आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप सर्वसेरा है, आज आप इन अध्यापक बंदियों को जो हमारी मांग है, नियमितीकरण की मांग है, समय समय पर हम उठाते आए हैं, अपनी बात रखें। और आज हम यहाँ से तभी जाएंगे जब आप हमें अपना आशीर्वाद देंगे। उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार था और पूर्व सरकार ये कहती थी कि हमारा पौधा है, लेकिन पौधे को जल देने की भी जरूरत पड़ती है, पानी से सींचने की भी जरूरत पड़ती है, ये भी उनको समझना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उनको छोड़ दिया, चौराहे पर छोड़ दिया। हमने उनके लिए लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट पर लड़ाई लड़ी, हमने कहा दूर दराज के इलाके में जहां अध्यापक नहीं जा पाते वहां पर ये सेवाएं दे रहे हैं और वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, अपने परिवार को भी चला रहे हैं, कठिन परिस्थिति में काम कर रहे हैं, इसलिए इनकी मदद का रास्ता निकालना चाहिए। काम कठिन था, मुश्किल था, लेकिन फिर निकाला। आज वो तमाम जितने जो पीटीए वाले जो चौक पर चौराहे पर छोड़ दिए गए थे पूर्व सरकार के द्वारा, उनके भविष्य के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा था, अंधकार दिखता था, तो उनके सामने केयर जो है वो आशा की केयर के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। आज सभी के सभी चरण जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक बार चरण जी, बार बार चरण जी। मैं इस बात को भी महसूस करता हूं। दूसरा वर्ग हमारा जो एसएमसी का जिसमें आप सब लोग हैं, इस वर्ग को भी इसी प्रकार की परिस्थितियों के दौर में से कई वर्षों से गुजरना पड़ रहा है। हालांकि मैं इस बात से भी सहमत हूं कि आपकी नियुक्ति के लिए एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है और एक नीति के तहत एसएमसी की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अंतर्गत आपको जो है वो लगाया गया है। पीटीए के मामले में कठिनाई थी, लेकिन आपको उस पॉलिसी के अंतर्गत लाने के बाद भी एक प्रश्न भी खड़ा हो गया कि अगर रेगुलर कोई अध्यापक आ जाएगा तो आपको अपना घर का रास्ता निकालना पड़ेगा, घर का घर की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि छोड़ करके जाना पड़ेगा। हमने कहा यह भी उचित नहीं है, वैसे में मदद के लिए खड़े होना चाहिए आप सबके साथ। हम इस बात से सहमत है, कानून में कई तरह की बेचिंदगी है, उसमें खड़ी की है और जिसके कारण परेशानी है हमारे साथ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने एक बात को सुनिश्चित किया कि जहां हमारा एसएमसी का दूर दराज के हमारा भाई और बहन लगी हुई है, कम से कम जहां लगी है वहां से उनको नौकरी छोड़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए और ट्रांसफर के माध्यम से भी उनके पद को भरने के लिए हमने कहा कि ये अनुमति नहीं होगी। एसएमसी का ठेका जहां लगा है वो लगा रहेगा और ऐसे में डायरेक्टरेट में सभी राज्यपाल का हमने संदेश दिया डायरेक्टर जी कि कोई भी एसएमसी का ठेका जो है वहां स्कूल से अगर किसी के अगर ट्रांसफर के माध्यम से ज्वाइनिंग से किया जाता है तो उसकी ज्वाइनिंग रोक ली जाए और हमारा एसएमसी का टीचर वहां पर जो लगा है वो अपना काम कर पा रहे हैं। एक बात तो हमने सुनिश्चित की और दूसरी बात को लेकर के ये भी हमने बात कही, अब के बजट में हमने एक बात कही है कि हम आपके लिए कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिस रास्ते में चल करके आपको रास्ते में ऐसा ना लगे कि हम कहीं रुक गए, रास्ता निकले तो वो दिल्ली भर के लिए आगे बढ़ने का रास्ता हो, आगा बुरा रास्ता ना हो,
इसलिए हमने कहा इसको बारीकी से अध्ययन करिए, जो मदद का रास्ता निकल सकता है उसके लिए आप काम करिए, अधिकारी को कहा है। और उसके साथ साथ में हमने ये भी कहा है कि हमारे एसएससी के जो हमारे जो मित्र भी हैं, हमारे टीचर हैं, उनके लिए इस बात को लिए सुनिश्चित करें कि जो पॉलिसी का हमने जिक्र किया है, पॉलिसी में हम प्रावधान कैसे कर सकते हैं, इस प्रकार से हम नियमों में जो है कानून के मुताबिक उन सारी चीजों को ढाल सकते हैं जिसके तहत जो है आपके जीवन में इस प्रकार की कठिनाई ना आए, जिस बात को लेकर के आप लोग आशंकित है, चिंतित है, उस दिशा में आगे बढ़े हैं। कुछ जगह कुछ चीजों को लेकर के चर्चा हुई बनी है, हालांकि इस पर भी कानूनी पेशी के आप सबको अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर एक बार हम कदम उठाए तो उसमें कानून कम से कम आपका रास्ता जो है बाधित ना करे, कानून आपके रास्ते में फिर रुकावट पैदा न करे, इस बात को हम सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। इसलिए आप सब लोग आप यहाँ पर आए हैं, आप सबको लग रहा होगा कि सारी चीजों को लेकर के अभी इसी वक्त कहें, मैं आप सबसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, कुछ चीजें आगे बढ़ी है, कुछ चीजें आगे बढ़ करके हमने लगभग उसको शेप एक दिशा देने की हमने कोशिश कर ली है, लेकिन उसके बावजूद फाइनल इसकी जो सारी जो चीजों को लेकर के अभी हमारे सामने जो चीजें आने वाली है, जो कानून की दृष्टि से उसके किस प्रकार से हम कैबिनेट में और अपने अपने जो है सरकार में जो है सारी चीजों को उस प्रकार से प्रस्तुत करें जिसमें आपका रास्ता पक्का हो, रास्ते में कोई बाधा ना रहे, कानूनी कोई गतिविधि आपका रास्ता ना रोके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने कहा है कि बारीकी से सारी चीजों को देखो। और ये भी मैं कहना चाहता कि जल्दबाजी में किया हुआ काम देगा संकट में पड़ जाता है, आज अगर हम एक चीज को खुद निर्णय कर ले और निर्णय के बाद वो कानून के गतिविधियों में पड़ जाए और उसके बाद आप भी रास्ते में अटक गए और हम लोग भी उसमें रास्ते में अटक, उसका कोई लाभ नहीं। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, आप लोगों ने अपना पक्ष रखा है और आपने दो तीन चीजों को लेकर के जो विशेष तौर से जिस बात का जिक्र किया है, आग्रह किया है, आपकी जो क्लॉज 9 और क्लॉज 10 दो का जिक्र है, उसका रिमूवल का रास्ता कैसे, उसको हम साइलेंट कैसे करें, उसको हम उसका उसको हम कैसे उसको जो है उसका रास्ता निकाले, ये एक बहुत टेक्निकल इशू है, क्योंकि नियम के मुताबिक तो है जिस वक्त कोई कर्मचारी लगता है उसमें कानून में व्यवस्था के अंतर्गत यही चीजें कहने आ रही है कि जिस वक्त वो शर्तें थी उन शर्तों को आप लोगों ने स्वीकार करके ज्वाइनिंग दी है, और ऐसे में उस सारी चीज को लेकर के एक कठिनाई जरूर आ रही है कि जब शर्त सरकार की है तो अब उसको बीच में कैसे किया जाए, लेकिन हम और कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, और वो रास्ता ढूंढने के लिए कुछ और पिछले जो कोर्ट के कुछ जजमेंट्स वो भी हमने इकट्ठा करने के लिए बोला है, कुछ एक जगह जजमेंट्स आई है, कुछ एक जगह जजमेंट्स अभी नहीं है, तो उनको हमने कहा तलाश की हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उनको तलाश करें, और उसके साथ साथ में उन सारी चीजों को ठीक तरह से बेहतर ढंग से कानून के रास्ते में आगे बढ़ाकर हम कैसे कर सके, इस बात को हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन है, अभी हमारा 2 महीने से ज्यादा का हमारा जो टेन्योर जो है इफेक्टिव वर्किंग का है, जिसमें हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं, कोई भी निर्णय ले सकते हैं, और उस निर्णय को जब हम लेंगे आप सबको हम सूचित भी करेंगे, आप सबको हम जानकारी भी देंगे, और तब मैं आप सबसे इस बात के लिए जरूर कहूंगा कि आप सब लोग आए, और तब तक के लिए जहां आप लोगों ने इस प्रकार से आज इस प्रकार से अपनी बात यहां पर कही है, मैं आप सबका इस बात की धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सब लोग आए, सामूहिक रूप से आए, हालांकि मैं कोई बात को लेकर के थोड़ा नाराज था, नहीं तो आज देर का समय की कमी है, आज का दिन बहुत ज्यादा शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट है।